हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल जो चैनल के नाम है ग्लोबल सेशन चैनल। सो आइए आज अलग से कुछ अलग से डिफरेंट काइंड ऑफ चीज बना के बताते हैं, जो है डोरा केक्स। सो जो डोरा केक जो बच्चे की फेवरेट है और सबकी फेवरेट है जो ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं। सो आइए आप डोरा केक के लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट जरूरत है सो हम किचन में जाएंगे। आशा करता हूँ डोरा केक भी पसंद आएगा। सो देखिए किचन में जा रहा हूँ, जो है मेरा ग्लोबल सैमसंग का किचन है। सो आइए मेरे किचन में जाके आपको रेसिपी बना के आप शेयर करता हूँ। दोस्तों अभी हम डोरा केक बना रहे हैं। सो डेफिनेटली ऑल प्रपोज की फ्लावर चाहिए, मैं ऑल प्रपोज का फ्लावर लिया हुआ है। एंड मिल्क लिए हुए हैं, जो हम बेसिकली काव मिल्क यूज करते हैं क्योंकि ना बच्चे के लिए बहुत अच्छा सेहतमंद होता है। एंड बच्चे की सबसे अच्छा पसंद है चॉकलेट, चॉकलेट स्प्रेडर भी रखा हुआ है जो लास्ट पार्ट में हम यूज करेंगे। एंड डोरा केक के लिए और हमको क्या चाहिए, बेकिंग पाउडर, रिफाइंड शुगर, हनी एंड वेनिला एसेंस। ये दोस्तों इसमें ध्यान दे दीजिए, हम डोरा केक बना रहे हैं, हम विदाउट का एक का ही बना रहे। सो आप चाहिए जो नॉनवेज नहीं खाने वाले लोग भी बहुत पसंद करेंगे। सो आइए हम बना के आपको बता रहे। दोस्तों अभी डोरा केक का मिक्सर मिक्स करने के लिए उससे बोल लिए हुए। सो दोस्तों ये ध्यान रखिए। सो सबसे पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सो आप अगर बीच में छोड़ के जाइए वीडियो का पूरा रेसिपी आपको मालूम नहीं पड़ता है। सो जरूर आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सो दोस्तों अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम एक बोल में एक कप का व एक बोल का ऑल प्रोपस फ्लावर ले रहे हैं और बोल में हम डाल रहे हैं एक टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। सो आप ध्यान दे दीजिए, बेकिंग पाउडर घर में आप रखते तो उसका ज़्यादा दिन उसका टेम्पर चला जाता। सो इसकी वजह से हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यूज करते हैं। उसके बाद शुगर, जो आपको जितने मीठा ज़रूरत है आप डाल सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा तो मीठा ज़रूरत होते ही है। सो इसमें हम 2 टेबल स्पून का शुगर डाल रहे हैं क्योंकि हम लास्ट पार्ट में चॉकलेट स्प्रेड भी मिलाएंगे। सो इसके लिए हम लेस शुगर आप डाल के रख रहे। सो हम वेनिला एसेंस डालेंगे 1 टेबल स्पून, सो ताकि केक को अच्छे से फ्लेवर दिए। सो अभी 1 टेबल स्पून ऑफ वेनिला एसेंस, अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए आप डाल सकते हैं क्योंकि अब अगर अंडे का यूज़ करते तो हम लोग वेनिला एसेंस ज़्यादा जरूरत होता था, बट अभी अंडे का हम यूज नहीं कर रहे हैं। सो अभी हम लोग ज़्यादा एसेंस नहीं डाल रहे। लास्ट मेन चीज़ है हनी। सो अब सेहत के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। सो आप इसमें हम हनी डाल रहे हैं। सो आप देख रहे दोस्तों अभी हनी डाल रहे हैं हम। सबसे पहले मिक्स करने से पहले आप उसमें मिल्क डालिए, जो आपको अपू बोला था काव मिल्क, तभी उसके अंदर हम दूध भी डाल रहे हैं। दोस्तों अभी हम मिला के आपको बता रहे हैं, आप दूध एक साथ ना डालिए क्योंकि एक साथ में दूध डालते डालते आपको लम्स भी आ सकता है। सो आप धीरे धीरे करके थोड़ा सा मिक्स हो गया, फिर दोबारा और एक बार हम डाल दीजिए दूध। दोस्तों अभी फिर देख रहे हैं हमारा दूध और थोड़ा डाल रहे हैं। सो थोड़ा थोड़ा करके आप दूध डाल के उसको मिक्स करिए। सो अभी दोस्तों देख रहे हैं हमारा लगभग मिक्स हो चुका है। दोस्तों हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। सो आप आइए हम डोरा केक पैन में बना के बताते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखना, आपको दोबारा मैं बोलता हूँ, वीडियो अंत तक देखिए। अभी पैन थोड़ा बहुत हीट करने का है, हीट करने के बाद आप थोड़ा सा एक और ड्रॉप 2 ड्रॉप का ऑयल डालिए, नहीं तो बटर डाल के एक टिश्यू पेपर में ऐसा ग्रीस कर लीजिए, सो नीचे ना चिपके। सो आइए आपको डोरा पैन केक बना के बता रहे। दोस्तों आप ये ध्यान रखना है, आप जब डालेंगे बीच में बराबर डालिए जो राउंड में आए। सो आप दोस्तों देख रहे ये बबल्स आना शुरू हो गया, आप सोच रहे होंगे बबल्स आ रहा। सो अच्छा है, बबल्स आने से हमारा कुकिंग प्रोसेस बराबर हो रहा बोल के हमको पता चलेगा। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं हमारा डोरा केक रेडी हो रहे हैं, लगभग 50-60% हो चुका है। सो आप देख रहे हैं उसका बबल्स भी आ रहा। सो दोस्तों अभी एक तरफ हो चुका है, हम दूसरा साइड हम पलटी कर रहे हैं। दोस्तों हमारा डोरा केक वो रेडी हो चुका है, आप एक 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 करके हिसाब सारे बना दीजिए। बनाने के बाद उसका हम फिलिंग चॉकलेट स्प्रेड में करेंगे। दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है डोरा पैन, एंड हमारा डोरा केक रेडी हो चुका है।
अभी इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। आपके पास जो भी चॉकलेट स्प्रेडेड होगा आप उसमें डाल सकते हैं। अभी हम चॉकलेट स्प्रेडेड में, उससे पहले आपको बताया था तो मेरे पास है, सो आप उसके अंदर हमें स्टॉपिंग करके आपको बता रहे। सो आप ऐसा धीरे धीरे करके चारों तरफ लगा दीजिए। सो आपको जितना फिलिंग चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। सो उसके बाद एक का ऊपर आप एक ऐसा चिपका दिए। चिपकाने के बाद हमारा डोरा केक रेडी हो चुका है। सो आप ऐसा करके सारे आप डोरा केक बना दीजिए। सो अभी दूसरा भी हम करके बता दे रहे। सो आप एक से एक करके दोबारा इसको भी आप चिपका दीजिए। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप शेयर और कमेंट जरूर करिए। अभी इसको हमारा रेडी हो चुका है। अभी आराम से आपको घर पर बना के ये रेसिपी ट्राई करिए और एंजॉय करिए। दोस्तों यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, यदि कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।